Hello everyone, welcome to our YouTube channel Salt and Pepper, where we make veg recipes interesting. And if you are already a subscriber, welcome back. तो कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे कोल्हापुरी मिसल बनाने की रेसिपी डाली थी. उसमें मैंने मिसल मसाला जो मैंने घर पर बनाया था वो यूज़ किया था. तभी आप में से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि प्लीज़ आप मुझे मिसल मसाला की रेसिपी दीजिए. कमेंट सेक्शन में डाला, पर्सनली मैसेज किया. तो आज मैं आई हूँ मिसल मसाला एट होम. तो बिना कोई भी सेकेंड वेस्ट किए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ मैंने एक पैन में 25 से 30 कश्मीरी लाल सूखी हुई मिर्च ली है. मैं आपको यहाँ एक टिप देना चाहती हूँ, फ्यूचर में आप कभी भी कोई भी मसाला बनाएं तो मिर्च को हमेशा अलग से सीखिएगा, क्योंकि मिर्च को क्रिस्पी होने में टाइम लगता है, तब तक आपके सारे मसाले जल जाएंगे. अब हमने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ड्राई कोकोनट लिया है. ड्राई कोकोनट के लिए भी सेम है, आपको अलग से इसे रोस्ट करना है क्योंकि इसे भी क्रिस्पी होने में टाइम लगता है. तो हम बाकी के मसाले सेकते हैं. यहाँ मैंने सबसे पहले 4 टेबलस्पून धना लिया है, 2 टेबलस्पून सौंफ, आधा टीस्पून मेथी दाना, 1 बड़ा जावंत्री का फूल. मेरा जावंत्री का फूल काफ़ी बड़ा है इसलिए मैंने 1 लिया है, 3 पत्थर के फूल, 4 से 5 इलायची, 2 सिनेमन स्टिक, 12 से 13 काली मिर्च, 12 लौंग, 4 बायदान के फूल, 2 टीस्पून जीरा. हम इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे. मिसल मसाला तो बाज़ार में भी मिलता है, पर अगर आप जो घर पर बनाते हैं उसकी अरोमा बहुत अच्छी होती है और उसके फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे आते हैं. अब हमने यहाँ पे 4 टेबलस्पून सफ़ेद तिल डाला है और 2 टीस्पून खसखस. इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे. इफ़ यू लाइक द रेसिपी सो फार, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम वी कम ऑनलाइन. हमने यहाँ 2 इंच अदरक और 1/4 कप लहसुन लिया है, पर अगर आप जैन मसाला बना रहे हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं. हम हमारे सारे भुने हुए मसालों को मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे एक पाउडर फॉर्म में. ये मसाला आप मिसल के साथ तो यूज़ कर ही सकते हैं, पर आप इसे भरमा भिंडी, भरमा बैंगन, आलू की सब्जी और बहुत सारी सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा. तो आप ये मसाला बनाइए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए आपके मसाला कैसा बनता है. तब तक मैं जाकर अपना कोल्हापुरी मिसल इंजॉय करती हूँ. आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच.